अभी देखते हैं वार म्यूजियम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे सब लोगों ने बताया कि आप ऑटो लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा, बस वगैरह वहाँ पे जाती नहीं है, तो अभी देखते हैं क्या कुछ सीन होता है इधर, वरना ऑटो लेके तो जाना काफ़ी महंगा पड़ जाएगा क्योंकि 10 किलोमीटर है। तो बैक टू माई यूट्यूब चैनल, तो मैं आया हूँ आज वार म्यूजियम। जैसलमेर से 10 किलोमीटर की दूरी पर वार म्यूजियम स्थित है, जो लोंगेवाला का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में और 1965 और 1975-71 के दौरान जो युद्ध हुए थे उन सभी का, जो मतलब टैंक्स वगैरह जो बचे थे जो वार के टाइम में काम में लिए गए थे, उन सभी का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। और म्यूजियम भी है अंदर, जहाँ पे आपको उस टाइम पे जो जो काम जो जो एम्युनेशन वगैरह लिए थे काम में वो अभी देखने को मिलेंगे। अभी मैं वार म्यूजियम के एकदम सामने हूँ और अभी मैं इंटर करूँगा और इंटर करने के बाद देखते हैं फ़ीस वगैरह कितनी है, यहाँ का कितना चार्ज करते हैं। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि वार म्यूजियम है जो अपने देश के सोल्जर हैं उनकी त्याग बलिदान वीरता की बात बताते हैं। यहाँ पर जाके आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और उन्होंने जो बलिदान किया है उसका आपको रियल में पता चलेगा। ये बाहर दो टैंक्स बने हुए हैं, रखे गए हैं। अभी म्यूजियम को 2015 में इसका जो उद्घाटन हुआ था और इधर भारत माता का झंडा लगा है, वहाँ पे भारत का झंडा आप देख रहे हो सामने। और अभी हम इंटर करेंगे, इंटर गेट आगे की तरफ है और धूप काफ़ी बढ़ गई है। और ये रोड है यहाँ पे एकदम हाईवे, जैसलमेर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे ये म्यूजियम बना हुआ है। अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ रखा हुआ है अंदर। पाकिस्तान की, इंडियन आर्मी की सारी जो एम्युनिशन वगैरह है, टैंक्स वगैरह है, एयरक्राफ्ट वगैरह सब देखने को मिलेगा। तो गाइस आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। जो आप सामने देख रहे हो जैसलमेर वार म्यूजियम एंट्री, यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो अपने व्हीकल को। और अभी हम ये गेट पूरा खुला हुआ है तो अभी यहाँ से हम एंट्री करते हैं और जाते हैं अंदर की तरफ। ये पूरे एकदम समतल एरिया में, एकदम ओपन एरिया में बना हुआ है, एकदम रोड के आगे। मैं आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी, ये यहाँ पे पूरा इलाके में फौजी लोग हैं वही इसको संभालते हैं म्यूजियम को। और आपको यहाँ पे बहुत सारे फौजी लोग, सोल्जर लोग मिल जाएंगे देखने के लिए। अभी चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। ये पूरा एक यहाँ पे सड़क बनाई हुई है, ग्राउंड टाइप में है, यहाँ पे आपको पार्किंग होती होगी शायद तक। यहाँ पे बहुत से मतलब ऐसे जो इनक्रेज करने के लिए बहुत से कोट्स वगैरह लिखे हैं पत्थरों के ऊपर, लाइक आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन, आई लाइक दिस कोट अ लॉट, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन, राइट दिस इज माई कोट। पत्थर लिखा है इस पेपर, लिखा है आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। सो गाइस टुडे आई एम नॉट गोना स्टॉप, इफ आई एम टायर्ड I will stop when I'm done making videos of war museum. I will show you a good display of this museum. अब एक कार खड़ी है, एक रख दे। लेडीज लोग टिकट निकाल रहे हैं तो अब चलते हैं इन टिकट को चेक कराने के लिए, वापस जाना पड़ेगा। गाइस अभी हम कर लिया है एंट्री यहाँ पे एक सिपाही गन लेके खड़ा है, M416 तो नहीं है ये AK-47 है शायद, वहाँ पे कैमल वगैरह है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, मुझे इसका पता नहीं है कि कैसे यहाँ पे जाना है, लाइक ओह यहाँ पे एक बड़ा सारा चाकू लगा है देखो उस साइड में, मैं थोड़ा बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पाकिस्तानी टैंक्स, पाकिस्तान क्या है, ये चाइनीज टैंक्स है, पाकिस्तान ने चाइना से लिए थे और ये अभी यहाँ पे ये बड़ा सा चाकू है यहाँ पे, उसके पीछे फ्लैग लगा है अपना इंडिया का। और ये जितने भी वीर थे जो बड़े बड़े, ये चुनाराम है, इनकी यहाँ पे महावीर चक्र मिला हुआ है इनको, ये डालमास की डाणी जिला सीकर के रहने वाले थे। और ये हैं महावीर चक्र, लेफ्टिनेंट किशन सिंह राठौड़,
देखिए इनकी आंखों में कितना तेज़ है, थोड़ा अलग ही इन्जॉयमेंट है क्योंकि लाइट वगैरह पड़ती है इसके ऊपर। ये 106 mm जीप माउंटेड RCL गन है, ये RCL गन इस पर माउंट की हुई है, ये जीप है। इस जीप को लोंगेवाला के टाइम में काम मिल गया था, 1965 में काम मिल लिया था, 1971 में भी काम मिल गया था इसको। अभी इसके ऊपर देख लो आप, पढ़ सकते हो क्या कुछ है। 1971 में लिखा हुआ इसमें, बंकर में बैठे हैं, गोली मत मारना मेरे को। ओके गाइस, देखिए इस पोजीशन में आप बंकर में बैठते हो जब आप युद्ध का टाइम आता है। वाटर कूलर लगा है, 30 रुपये की हमने टिकट दिया था, 30 रुपये का पानी तो पीना वाजिब है। बंकर का प्रोटोटाइप यहाँ पे बना हुआ है, अभी इसके अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, अभी ट्राई करता हूँ इसके अंदर जाने की। ये कोई बोलेगा तो वापस बाहर आ जाएंगे, राइट। अभी ये बंकर, इसके अंदर देखा जैसा होता बंकर, इसके अंदर ये रास्ते वगैरह भी बने हुए हैं, और यहाँ से अपन स्नाइपर लेके बैठते हैं और ठू ठू ठू, वो बाहर जो घूम रहे हैं उन सभी को हम निपटा सकते हैं यहाँ पे बैठकर, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से मारी है। ये बंकर है, आई एम वॉचिंग द बंकर फॉर द फर्स्ट टाइम गाइज, यू नो इन दिस ट्रिप आई हैव डन मैनी थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी हम बंकर से बाहर आ गए, यह है इंडियन आर्मी हॉल, इसके अंदर इंडियन आर्मी का जितना भी पुराने जो भी इनके पास में उस लड़ाई के बाद में बचा था वो सारा कुछ डिपिक्ट किया गया है। ये जो आप देख रहे हो ये हाउइट्ज़र आर्टिलरी गन सिस्टम, यहाँ पे बैठे हैं। इसका जो राउंड होता है वो 5 RPM होता है, 5 राउंड प्रति मिनट, और इसको इंडो पाक युद्ध में कारगिल के टाइम में इसको काम में लिया गया था। और अभी ये शूट्स वगैरह में, ये जो जम्मू कश्मीर में जो सोल्जर काम करते हैं उनका शूट है। ओके 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 ओके, लंगे वाले म्यूजियम से बाहर आ गया मैं, वहाँ पे भी वैसा सिस्टम था, गन्स मशीन गन्स एंटी टैंक मिसाइल्स सारी वहाँ पे रखी थी। अभी ये जो आप सामने देख रहे हो ये इंडियन आर्मी के टैंक्स हैं, और उनमें से कुछ उधर पाकिस्तान वाले भी हैं, ये पाकिस्तान का इधर इस साइड में, इनमें से कुछ एक टैंक ऐसा है कि पाकिस्तान वाले लोग ऐसे मानते थे कि ये टैंक जितनी दूर जाएगा उतना इलाका अपना हो जाएगा, लेकिन बाद में अपनी इंडियन फोर्स आई और सबको भगा दिया यहाँ से। वो सारे अपने जो गन्स वगैरह जो एम्यूनेशन वगैरह वहाँ पे छोड़ के चले गए, वो सारे पड़े हैं उस इंडियन आर्मी वाले म्यूजियम में। तो ये बड़ा टाटे, ये इसकी चैन देख रहे हो, और ये है पाकिस्तानी टैंक, इसका कलर ग्रीन है। ये अपना पाकिस्तान का फ्लैग का जी, और ये टैंक के टायर्स, इसमें टायर्स हुए थोड़े टायर थोड़े उसके कंपैरिजन में, टैंक 55 है ये। तो भैया अभी हम चल रहे हैं, एक बड़ा सा व्हीकल है आर्मी का, इस तरफ चल रहे हैं। ये हम्बर अराउंड कार है, उसमें बफोर्स गन वगैरह भी थे, और ये है बड़ी सारी ट्रक है ये। अभी ये देखो इसके टायर वगैरह पंक्चर वगैरह है, और इसको कवर किया गया है एक नेट से, इसके अंदर आर्टिलरी का कोई सामान वगैरह है। अभी चलते हैं अपने आगे की तरफ। P-15 रडार का सिस्टम है कुछ, ये 1955 में USSR ने बनाया था,
और इसको इंडियन आर्मी में 96 डोमेन डिटेक्ट किया गया था। 150 किलोमीटर तक का मतलब एरिया कवर करता है ये रडार। तो चलते हैं अभी, बता रहे पीछे की साइड में ताकि कोई वीडियो ना बना सके, कॉपीराइट है जाए बने भी तो, लेकिन कॉपीराइट किसको डर है। ये अपना क्या है इसका नाम, ये हंटर FGA MK56 देख रहे आप सामने, इसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। अभी चलते हैं जिन्होंने चौके छुड़ाए थे उनके पास में। ये है अपना टैंक 55, इसने चौके छुड़ाए थे। और ये है पाकिस्तान का, इसके ऊपर जो लैंडमाइन है वो इसके ये उसके नीचे आ गया था, ठीक है, तो इसको इसका कपड़ा पकड़ दिया लैंडमाइन ने। इसका नाम है आइसोली M40, पाकिस्तानी आर्मी रिकवरी। ये काफ़ी डिस्ट्रॉयड है, देखो पीछे टायर वगैरह सब। जो कंपनी है उसके द्वारा डिज़ाइन किया था 1930 में, और ये एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है। ये वर्ल्ड वार सेकंड में यूज़ में लिया गया था इंडियन आर्मी द्वारा। ये एक एंटी मिसाइल सिस्टम है, पता नहीं। और ये है अपना पाकिस्तान का छोटा सा सिस्टम। अभी ये पूरा ट्रक था शायद, ये इतना ही बचा है। ये अपनी लैंडमाइन के लैंडमाइन की सीध में आ गया शायद। देखिए इसके टायर वगैरह कुछ नहीं है, फट गए हैं। मैं इसके ऊपर चढ़ के आपको दिखाता ये कैसे चलता है, लेकिन इसके ऊपर चढ़ना मना है। तो अभी ये पाकिस्तान का गन, ये M4 शर्मन टैंक है, एंटी टैंक नहीं देखा है तो अभी आप देखने वाले हो। तो ये है पाकिस्तान का एंटी टैंक जिसको इंडो पाक वॉर में काम में लिया गया था। देख लो ये सोवियत टाइम में इसको प्रोड्यूस किया गया था। अभी इसके बारे में कुछ लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट टैंक वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1958, इट वॉज यूज बाई पाकिस्तान इन 1970 इंडो पाक वॉर। The Type 59 was modified several times during its service with the replacement of the 100mm rifle gun with a 105mm rifle gun. The Type 59 main battle tank is a Chinese produced version of the Soviet T-54. जो सोवियत का T-54 था ये उसका चाइनीज प्रोड्यूस्ड वर्जन है। म्यूजियम, नाउ लेट्स गो टू द लोकेशन। टाइम स्टार्ट, एक बार वो मार दे। ओके, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई विल सी यू लेटर इन माय नेक्स्ट व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी कर दें। अगर किसी का इंडो पाक वार का कुछ पता नहीं है तो आप मेरे वीडियो से उनको बता सकते हो। अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, फ़ोन ज़्यादा गर्म होने पर काम करना बंद करता है मेरा, तो अभी फ़ोन को ठंड में ले जाते हैं।